तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें एक व्यूवर्स ने पूछा है कि जो हमारी जीमेल आईडी है वो किसी दूसरे के पास में चली जाए, यानी कि हमारा जो एक्सेस है किसी दूसरे के पास में चला जाए, जीमेल आईडी पासवर्ड किसी दूसरे के पास में हो, तो वो हमारा जो फोन है उसके अंदर डेटा है वो देख सकता है या नहीं देख सकता है, क्या वो हमारे फोन को हैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं दोस्तों आपकी जो कमेंट आती है उसी के ऊपर वीडियो है ये बनाता हूं। आपने किसी व्हाट्सएप के बारे में पूछा तो मैं व्हाट्सएप के बारे में वीडियो है वो बनाता हूं। आज एक व्यूअर ने जीमेल आईडी के बारे में पूछा है कि हमारा जो स्मार्टफोन है उसके लिए एक जीमेल आईडी कितनी आवश्यक है और उसको सेफ रखना हमारे लिए कितना जरूरी है, अगर उसका एक्सेस किसी दूसरे के पास में चला जाता है तो वो हमारे फोन के साथ में क्या क्या कर सकता है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो जीमेल आईडी है उसका एक्सेस किसी दूसरे के पास में चला जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे हमें चेक करना है कि हमारी जीमेल आईडी का जो एक्सेस है वो किसी दूसरे के पास में है या नहीं है और इससे कैसे हमें सेफ रहना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि आप एक जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में एक पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखना है। हम जैसे ही स्मार्टफोन लेते हैं तो एक स्मार्टफोन है वो एक जीमेल आईडी के बगैर बिल्कुल भी नहीं चलता है। यहां पर हम वीडियोज व्हाट्सएप के ऊपर बनाते हैं हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन व्हाट्सएप भी बाद में आता है, यानी सबसे पहले हमें एक जीमेल आईडी का अकाउंट है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए, हमारे स्मार्टफोन के लिए। अगर जीमेल आईडी हम नहीं क्रिएट करते तो हमारा फोन नहीं चलता है आगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जीमेल आईडी जैसे हमारे स्मार्टफोन के अंदर हम यानी कि लॉग इन कर लेते हैं और फोन को स्टार्ट करते हैं हम चलाना, कोई भी ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो वो जीमेल आईडी के थ्रू ही होता है। हम फोटोज वीडियोज बनाते हैं हमारे फोन में स्टोर रहता है तो वो जीमेल आईडी से हम देख सकते हैं। हम कॉन्टेक्ट है वो सेव करते हैं फोन के अंदर, वो हमारी जीमेल आईडी से हम देख सकते हैं। और हमारी जीमेल आईडी का एक्सेस अगर किसी दूसरे के पास में चला जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है, मैं अब आपको एक यहां पर प्रैक्टिकल तौर पर बता रहा हूं कि किसी भी जीमेल आईडी का एक्सेस दूसरी के पास में चला जाता है तो क्या क्या कर सकता है। एक चीज यहां पर आपको देखना है, सिक्योरिटी के कारण मैं कुछ चीजें ब्लर रखूंगा जो कि आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ऐसा ही आपको चेक करना है अपनी जीमेल आईडी के थ्रू। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पर आना है और गूगल क्रोम पर आने के बाद में एक नई टैब ओपन करना है और वहां पर आपको डैशबोर्ड सर्च करना है। देखिए डैशबोर्ड लिखा है, ये डैशबोर्ड सर्च करना है। इसके अंदर जो पहली वेबसाइट आ रही है आप गूगल की देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस है वो ओपन होके आएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि इस जीमेल आईडी का एक्सेस आपके पास में, मेरी ये जो जीमेल आईडी है इसका एक्सेस आपके पास में है। आपने लॉग इन किया, डैशबोर्ड आपने सर्च किया तो आप क्या क्या चीज देख सकते हैं इसके अंदर, खुद देख लीजिए। जीमेल के अंदर कितनी मेल आई है, किन किन को आपने मेल सेंड की है, सारी चीजें देख सकते हैं। गूगल प्ले के अंदर कितने एप्लीकेशन आपने अनइंस्टॉल कर दिए, डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर दिए या फिर आपके फोन में वो है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। YouTube के बारे में देख सकते हैं, Google Drive में आपने क्या क्या छुपा रखा है वो भी वो सामने वाला जिसके पास में एक्सेस है वो देख सकता है। Google Photos आपके फोन में कितने फोटो है, कितने वीडियो है, ये सारी चीजें वो देख सकता है। इसके अलावा मैप भी देख सकता है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या घूमे हो, कहाँ गए हो, सारी चीजें देख सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से आपको नीचे नहीं दिखा पाऊंगा, एक बार आप गूगल डैशबोर्ड लगा करके, आप क्रोम पर डैशबोर्ड लगा करके एक बार चेक जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी फाइल है वो हमारी जो सामने वाला है जो हमारा इस जीमेल आईडी का एक्सेस लिया है वो देख सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप करके देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे
दूर कैसे रहना, यानी सेफ कैसे रखना है और कैसे पता करना है कि हमारी जीमेल आईडी का जो एक्सेस है वो किसी दूसरे के पास में है या नहीं है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपनी जीमेल आईडी पे आ जाना या फिर आप अपने फोन के सेटिंग में जाओगे, वहां पे आपको गूगल का ऑप्शन मिलेगा, वहां आप चले जाना। जीमेल आईडी पे जैसे ही आप आएंगे तो साइड में आप तीन जो लाइन बनी हुई देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपने फोन में जितनी भी जीमेल आईडी लगा रखी है वो सारी ओपन हो जाएगी। अब जिस भी जीमेल आईडी को आपको चेक करना है उसके ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में एक सिक्योरिटी का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको अपनी जीमेल आईडी को सेफ कैसे रखना पहले तो ये देख लीजिए। यानी कि थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे तो यहां पर एक तो टू स्टेप वेरिफिकेशन है, ये बहुत जरूरी है। अपनी जीमेल आईडी पे टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको करना बहुत जरूरी है। पासवर्ड आपको बहुत ही स्ट्रोंग लगाना है, ऐसा पासवर्ड जो कि आपको याद रह जाए, लेकिन वो होना स्ट्रोंग चाहिए, कहीं लिख के वगैरह नहीं रखना है आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा और नीचे आना है। आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको योर डिवाइस का, इस योर डिवाइस के नीचे आप देखेंगे मैनेज ऑल डिवाइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके देखना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको एक चीज दिखा देगा कि आपकी जो ये जीमेल आईडी है ये किन डिवाइस में चल रही है, यानी कौन कौन से डिवाइस के अंदर एक्टिव है। तो यहां आपको देख लेना, यहां पर मेरे केस के अंदर सिर्फ जो मैंने ये फोन ले रखा है इसी के अंदर ये जो जीमेल आईडी है एक्टिव है। अगर आपको यहां पर एक से ज्यादा डिवाइस दिखाता है तो पहले आपको ये करना है, वो चेक करना है कि आपके स्मार्टफोन वो है कि नहीं है। यानी कि हम क्या करते हैं, एक ही जीमेल आईडी को दो फोन में लॉगिन कर देते हैं, तो पहले ये चेक करना है कि वो आपका ही फोन है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फोन है वो मेरा नहीं है, तो आपको वहां से उस डिवाइस को डिलीट कर देना है। यानी कि आपकी जो जीमेल आईडी है वो दूसरे डिवाइस में चल रही है तो उस डिवाइस को डिलीट कर देना है। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी जो जीमेल आईडी है वो किसी दूसरे फोन के अंदर ओपन है। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया कि हमारे स्मार्टफोन के लिए एक जीमेल आईडी का होना कितना आवश्यक है और हमारा काम क्या है, कैसे उस जीमेल आईडी को हम सेफ रख सकते हैं। सेफ रखना हमारा काम है, क्योंकि अगर जीमेल आईडी हैक हो जाती है, एक्सेस जीमेल आईडी का हमारा कोई ले लेता है, तो हमारा पूरा का पूरा जो फोन है वो हैक हो जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।